जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेल में यूज होने वाले यूं तो मुख्य ज़्यादा टेक्निक जो है कि भारतीय रेल में यूज होती हैं। हम उन सभी टेक्निकों में से जो है कि दो टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है EOG और HOG। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए इस वीडियो में जो है कि मैं आप बताऊंगा कि EOG टेक्निक क्या होती है और HOG टेक्निक क्या होती है और ये किस चीज़ों में इस्तेमाल में लाया जाता है और क्या इसके लिए रेलवे की क्या फ़ायदे होती हैं, उन चीज़ों के बारे में जो है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। बात करते हैं पहले हम लोग EOG टेक्निक के बारे में। तो EOG का फुल फॉर्म होता है एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है और रेलवे जो है कि इस टेक्निक को क्यों प्रयोग करती है, आखिर क्या उसके फ़ायदे होते हैं, तो एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का फ़ायदा यह होता है कि जो है कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो रेल कोच होते हैं तो उनके अंदर बिजली का प्रयोग किया जाता है, उनके पंखे वगैरह, उनके लाइट वगैरह इनको जो है कि चलाने के लिए। तो उस लाइट को जलाने या फिर पंखों को चलाने के लिए या फिर जो मोबाइल चार्जर्स वगैरह जो लगे हुए होते हैं कोच के अंदर, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कहाँ से एनर्जी उनको आएगी, तो रेलवे जो है कि EOG टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। आप अक्सर देखे होंगे कि जो बोगियाँ जो कोचेस वगैरह होती हैं उन कोचेस में शुरुआती में यानी कि शुरू में या फिर अंतिम में एक जनरेटर का लगा होता है, एक कोच जिसके अंदर डीजी सेट रखा गया होता है। डीजी सेट यानी कि जो डीजल जनरेटर का जो सेट रखा गया होता है, उस सेट के वजह से जो है कि वहाँ से बिजली क्रिएट की जाती है और वहीं से बिजली जो है कि तमाम कोचों के अंदर जो है कि सप्लाई की जाती है और उसी बिजली के माध्यम से जो है कि ट्रेन के अंदर मौजूद लाइट पंखे और बाकी जो उपकरण वगैरह हैं वो सभी चीज़ों को जो है कि चलाई जाती है। तो जो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जो डीजी सेट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कोच के अंतिम में या फिर जो है कि कोच के शुरू में लगा कर बिजली देने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग समझ गए होंगे एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब शुरू करते हैं जो है कि हम लोग HOG के बारे में, यानी कि हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। आखिर हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे कि एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी में जो है कि हम लोग कोच के अंतिम या शुरू में जो है कि जनरेटर लगाकर हम कोचेस के अंदर जो है कि बिजली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, उस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा हुआ है वो पेंटोग्राफ जो है कि एक वायर से टच है। वो वायर जो कि हम लोग OHE के तौर पर हम उसे जानते हैं, यानी कि ओवर हेड वायर। उस वायर से जो है कि लोकोमोटिव अपने अंदर जो है कि करंट को लाता है और अपने अंदर जो लगे ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर से जो है कि वो करंट को जो है कि वो कन्वर्ट करता है। फिर उस ट्रेन लोकोमोटिव के अंदर भी जो है कि कुछ बिजली को जो है कि दे दिया जाता है ताकि जो है कि उससे लोकोमोटिव जो है कि रन हो सके और बाकी बिजली को जो है कि उसे HOG के तहत यानी कि हेड ऑन जनरेशन के तहत जो है कि कोचेस के अंदर सप्लाई कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जनरेटर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि रेलवों का एक फ़ायदा हो जाता है कि डीजल की बचत हो जाती है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक HOG टेक्निक के माध्यम से जो है कि लोकोमोटिव के अंदर से एक वायर निकला हुआ है, वो वायर सीधे जो है कि LHB कोच के पीछे जो है कि कनेक्टर में जो है कि वो फिट किया गया है। उस कनेक्टर के माध्यम से जो है कि बिजली को जो है कि सप्लाई कर दिया जाता है पूरे कोच के अंदर। तो जो ऊपर से गई हुई वायर से अगर बिजली अगर लेता है तो उसे हम लोग HOG कहते हैं, यानी कि हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। और सेम बिजली को अगर वह जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कोचेस के अंदर तो उसे हम लोग EOG कहते हैं, यानी कि हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे कि
ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, फिर भी जो है कि जनरेटर कार जो है कि उसके अंदर लगे हुए होते हैं। कारण यह है कि हर जगह जो है कि रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, कहीं कहीं जो है कि अन इलेक्ट्रिफिकेशन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, तो वहाँ पर जो है कि कोचेस के अंदर बिजली देने के लिए जो है कि जनरेटर कार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगने के बावजूद भी जो है कि उसके अंतिम में या फिर शुरू में जो है कि जनरेटर कार को लगाया जाता है, ताकि जब उसकी कनेक्टिविटी किसी डीजल लोकोमोटिव के साथ हो तो कोचेस के अंदर बिजली देने के लिए जो है कि उस एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी के तहत यानी कि उस डीजी सेट यानी जनरेटर के जरिए जो है कि तमाम कोचेस के अंदर जो है कि बिजली दी जा सके। आई होप इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।